साल 2021, सितंबर का महीना, जयपुर का रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां से हुआ था एसआई का पेपर लीक। आखिर कैसे हुआ एसआई का पेपर लीक, क्या है पेपर लीक की पूरी कहानी, कौन कौन है उसमें शामिल, चलिए बताते हैं आपको एसआई पेपर लीक की पूरी कहानी। जगदीश बिश्नोई गैंग ने 13 से 15 सितंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर जयपुर के रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल से सांठगांठ कर 3 दिन चली परीक्षा के अंतिम 2 दिन की पारियों के पेपर लीक किए। रविंद्र बाल भारती स्कूल के कमरे में जहां पेपर को सुरक्षित रखवाया जाना था, वहां बनी एक कोठरी में पहले से ही शिवरतन और राजेश को यूनिक भांबू उर्फ पंकज चौधरी ने छिपा दिया। जब पेपर कमरे में पहुंचा तो यूनिक भांबू ने लिफाफे की सील खोलकर मोबाइल से पेपर की फोटो खींच ली और मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई को व्हाट्सएप पर भेज दिया। जगदीश ने गैंग के अन्य साथियों के जरिए पेपर सॉल्व करवाया और अपने संपर्क के अभ्यर्थियों को पेपर के सवाल जवाब रटवाए। यूनिक भांबू वन विभाग में वनपाल है। यूनिक भांबू JEE पेपर लीक के खुलासे के बाद दुबई भाग गया है। जगदीश बिश्नोई ने अपने प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सारण गैंग को भी मोटी रकम लेकर पेपर बेचा। इस गैंग ने भी कई अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया करवाया। SOG की जांच में SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक की कई परतें खुली हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस मामले में अभी कई और खुलासे हो सकते हैं। इसमें 14 और 15 सितंबर का पेपर लीक होने की पुष्टि SOG के ADG VK सिंह ने की है। JEE पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया लाइब्रेरियन शिवरतन मोट श्रीगंगानगर में लाइब्रेरियन है। उसकी रविंद्र बाल भारती स्कूल में SI भर्ती परीक्षा के दौरान ड्यूटी लगवाई गई। उसने राजेश खंडेलवाल को भी गैंग में अपने साथ मिला लिया। इसके बाद इसी सेंटर पर यूनिक भांबू को साथ लेकर SI भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया गया। जगदीश बिश्नोई गैंग ने राजेश खंडेलवाल को बदले में 10 लाख रुपए दिए। पेपर लीक करने वाले जगदीश बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने SI भर्ती परीक्षा का पेपर प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गैंग तक भी पहुंचा दिया। इस गैंग से जुड़े गुर्गे उनके संपर्क में आ गए। अभ्यर्थियों को भी सवाल जवाब रटवाए गए। सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण शिक्षक भर्ती पेपर लीक के मामले में SOG के रडार पर थे। सारण की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि सुरेश ढाका अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही इसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे थे। टॉपर नरेश जालौर के चितलवाना के एक स्कूल में क्लर्क था। इसी स्कूल का प्रधानाचार्य सुरेश बिश्नोई पेपर लीक मामले में फरार है। नरेश बिश्नोई ने भी धांधली कर परीक्षा टॉप की थी। वहीं RPSC के सदस्य रहे रामूराम रायका के बेटे और बेटी का भी SI भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, जबकि चुरू की एक ही कॉलोनी के 4 अभ्यर्थियों का एक साथ चयन हुआ था। इसमें एक यूनिक भांबू का भाई और अन्य रिश्तेदार भी शामिल हैं। RPSC अधिकारी ओम प्रकाश गोदारा का बेटा भी लीक हुआ पेपर रट कर पास हुआ और SI बना। SI भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में अभी तक 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें SI भर्ती 2021 का टॉपर नरेश बिश्नोई भी शामिल है। SI भर्ती परीक्षा को लेकर SOG कमोबेश रोज नए खुलासे कर रही है, लेकिन फिर भी अब भी कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। पेपर लीक गिरोह में शामिल लाइब्रेरियन शिवरतन मोट की ड्यूटी जयपुर के रविंद्र बाल भारती स्कूल में कैसे लगाई गई? वहां तमाम सुरक्षा के बावजूद यूनिक भांबू को कैसे पहले से ही उस कमरे में दाखिल करवाया गया जहां पेपर रखे जाने थे? हालांकि SOG के ADG VK सिंह का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अब लगातार SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग उठ रही है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द करवाने को लेकर वो सरकार से बात करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।